नाम से जो पता चलता है इट्स आई एम श्योर इट्स अ रोमांटिक लव स्टोरी. तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि स्वास्थ्य जिसको मैंने अपनी गोद ऐसा बच्चा उसको देखा हुआ जब से वो पैदा हुआ और मिनी स्मॉल पपीता है. दादा चले गए हैं लेकिन दादा का ऑरा चारों तरफ है और ये एक छोटा मिनी दादा हमारे सामने है जो बहुत अच्छा काम कर रहा है, नाम कमा रहा है, बहुत आगे जा रहा है. गॉड ब्लेस यू. और ये गोविंद जी ने और हेमा जी ने बहुत हिम्मत करी है कि फिल्म को कंप्लीट करके वो रिलीज कर रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं. तो दादा का जो काम है वो ऐसे ही बेकार नहीं जाना चाहिए. तो दे मेड श्योर कम्स आउट एंड एवरीबॉडी हियर्स द सॉन्ग, एवरीबॉडी सीज द फिल्म. मेरे लिए पपीता की फैमिली मेरी फैमिली जैसी है. तो उनका कोई ऐसा इवेंट नहीं होता है या कोई ऐसा चाहे वो फिल्म का लॉन्च हो, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो कोई पूजा हो, चाहे वो सेलिब्रेशन हो, आई एम ऑलवेज देयर, आई एम ऑलवेज पार्ट ऑफ इट. और मुझे खुशी होती, मुझे लगता है दादा स्माइल कर रहे हैं मुझे देखकर, आशीर्वाद दे रहे हैं. तो इसलिए आज मैं मौजूद हूँ यहाँ टू शेयर दिस मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस. और बहुत प्यारा म्यूजिक है दादा का. म्यूजिक तो हमेशा ही एवरग्रीन और प्यारा रहता है. एक डुएट है मेरा इसमें शान के साथ, डुएट रोमांटिक सॉन्ग है. और आई एम श्योर आप लोगों को फिल्म अच्छी लगेगी, गाने अच्छे लगेंगे. आई विश द एंटायर टीम ऑल द बेस्ट एंड कंग्रेचुलेशन. क्या बात है. वेलकम मैम. मेरे बाहों के घेरे में मेरी दुनिया सिमटती है, तेरी सांसों की खुशबू से मेरी दुनिया सिमटती है. इस तरह का है टिपिकल बबीता मेलोडी. तो ऐसा गाना है और आई एम श्योर यू विल एंजॉय. एब्सोल्युटली. हेलो. वेरी स्वीट मूवी है. आप इसमें रोमांटिक मूवी है, नया हीरो है, वो ड्रेसिंग हीरो है और ये बॉलीवुड में लंबी रेस का घोड़ा हीरो है. और ये फिल्म में आप एक बार देखें जरूर. इसमें म्यूजिक बहुत प्यारा है, दादा का म्यूजिक है इसमें. क्या बोलते हैं ये अपना ऋतु जी का बहुत अच्छा काम है, अपना अनुस्मृति का बहुत अच्छा काम है, राजपाल जी ने बहुत अच्छा कॉमेडी की है. मतलब देखने लायक है. मैं अभी ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आप बोलेंगे क्या चीज़ बनी है. गोविंद नामदेव जी ने बहुत अच्छा काम किया है. और अपने अनूप खिलाड़ी जी का एक एज ए सी एम, अनूप खिलाड़ी जी जो कभी नहीं किया एज ए सी एम में है इस फिल्म में, तो बहुत ही प्यारी मूवी बनी है. आशा है कि आप सबको बहुत पसंद आएगी. Anyway, first of all, thank you all the guests who have come here. Thank you so much, Alka Didi, and all the stars and casting crew and the technicians. Dhanyavaad aap log aaye hain, or the entire media and everybody Parul. music to it's in our blood. Music to hamare blood mein hai. Music bina to Lahiri family does not know anything. बापा भाई ने बैकग्राउंड म्यूजिक किया है और गाने को पूरा अरेंजमेंट रीअरेंज किया है फ्रॉम अमेरिका. और मैंने यहाँ डबिंग वबिंग जैसे दीदी का डबिंग, देन शान जी का डबिंग, सना का पूरा प्रॉपरली एक मिक्सिंग मास्टरिंग गाना गवाना वो सब किया है. और थोड़ा बहुत ऑफकोर्स म्यूजिक भी हम लोग ने डाला है प्रॉपरली. तो डैडी से बढ़कर और क्या है, डैडी से बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता. बट उनका आशीर्वाद है, शायद उनका वो आदेश है कि हम उनके म्यूजिक को एज अ प्रोडक्शन हाउस लॉन्च किया है SRG Films. तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों का आशीर्वाद रहे स्वास्तिक, रेमा और गोविंद फिल्म्स, SRG Films. और मुझे आशीर्वाद चाहिए, हमें सबको आशीर्वाद, सबका आशीर्वाद चाहिए कि आप लोग हमारे साथ रहे. और रेगो को आशीर्वाद दीजिए. रेगो का फर्स्ट डेब्यू है, ये फर्स्ट टाइम इंडस्ट्री में हुआ है कि ग्रैंडफादर के ट्यून में फर्स्ट ग्रैंडसन ने पैदा किया है. तो इट्स अ बिग न्यूज एंड वी आर ब्लेस्ड कि डैडी के फैमिली में वी आर ब्लेस्ड टू हैव हिम इन एज अ फादर इन द फैमिली, ग्रैंडफादर इन द फैमिली. एंड थैंक यू अलका दीदी फॉर कोऑपरेशन एंड
ऑलवेज मैं क्या बोलूँ उनके बारे में, मेरे कोई शब्द ही नहीं है क्योंकि वो हमारे फैमिली से भी बढ़कर है, वो ऑलवेज हमारे साथ है एंड शी इज अ फैमिली यू नो एंड माय डैडी इज फेवरेट। मेरे डैडी ऑलवेज उनको उनके असिस्टेंट ही बुलाते थे कि अलका तुम ही जा गाई पे, वो जो आप गाओगे जो तुम गाओगे बस तुमने जो गाया वो गाया। क्या हुआ? सो दादा मतलब आई कांट टेल यू हाउ क्लोज शी इज टू द फैमिली, टू द लहरी फैमिली एंड टू माय डैड। सो शी इज ऑलवेज देयर विद अस एंड आप लोग का आशीर्वाद चाहिए। फर्स्ट वेंचर है हम लोग का एज अ प्रोड्यूसर, हम लोग अभी भी सीख रहे हैं, वी आर नॉट दैट रेडी फॉर इट, बट यू नो आप लोग की दुआएं चाहिए, प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए एंड थैंक यू वेरी मच। और रेगो को जरूर आशीर्वाद दीजिए कि रेगो अपना लेगेसी, दादू के लेगेसी को ले जाए, आशीर्वाद दे, अच्छे म्यूजिक करे, अच्छा गाना गाए। थैंक यू। बहुत मुझे और एक खुशी है आज कि हाँ हमारे साथ सना है, मोहम्मद अजीज जी की बेटी। मोहम्मद अजीज जी के साथ मैंने बहुत गाने गाए हैं और बहुत हमारे हमने काम किया है, बहुत टाइम बिताया है साथ में, बहुत हंसी मजाक अच्छा काम किया है बहुत। और आज मोहम्मद अजीज जी भी हमारे बीच नहीं है लेकिन उनकी बेटी है जो लेगेसी को आगे ले जा रही है, गाना गा रही है और बहुत आशीर्वाद है बेटा आगे खूब आगे जाओ और पापा का नाम रोशन। So first of all, I'm very thankful, very grateful to mom and dad और दादू जिन्होंने मुझे चांस दिया था। और ये गाना जो है बहुत ही मास गाना है और बहुत ही धमाकेदार गाना है। लिरिक्स सिंपल है, ट्यून सिंपल है, लेकिन उनका रिदम जो दादू ने जो रिदम बनाया है वो रिदम है, वो दम है, वो धमाकेदार रिदम है। और मैं दो लाइन पेश करना चाहता हूँ आप लोग के लिए। नोट देकर वोट लिया, जीता इलेक्शन नेता बना, सबको कुर्सी से गिरा दिया, सीएम के कुर्सी से चिपक गया, सेवा 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 जो करेगा पाएगा मेवा, सेवा 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 जो करेगा पाएगा मेवा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Happy birthday to you, happy birthday to me, happy birthday to me, thank you। काफी अच्छा रहा, काफी इंटरेस्टिंग रहा। और पहले तो मैं गुरु जी और गोविंद जी को थैंक यू करना चाहता हूँ फॉर गिविंग मी दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच। मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी वैसे फैमिली जैसे ही, रिश्ता मेरा फैमिली जैसा ही है। और मूवी की बात अगर हम करें तो बेसिकली इट्स लव ट्रायंगल, बट काफ़ी यूनिक तरीके के लव ट्रायंगल है ये, कि मैं सिचुएशन में फंस जाता हूँ। बायां मेरी बॉस होती हैं, मेरे को नौकरी देती हैं, यू नो, और जहाँ मैं रुका हूँ वहीं प्रोड्यूसर होती है, दोनों के बीच में फंसी हुई सिचुएशनल कॉमेडी आपको हंसाएगी, गुदगुदाएगी और काफी अच्छे रोमांटिक सॉन्ग भी हैं और आप लोग देखेंगे आपको बहुत मजा आएगा। डेफिनेटली कभी ऐसी सिचुएशन फिल्म का ऐसा कोई डायलॉग मतलब देखो यार नहीं है तो सेट पे कुछ मस्ती है, कुछ ऐसा किस्सा यार बहुत बहुत एक सुना दे हमें, मस्ती सुनाने की थोड़ी मतलब कुछ शेयर कर दे हमारे साथ। मस्ती ऐसा मस्ती कर दे यहाँ पे किसी के साथ, वी डोंट माइंड। मस्ती तो हमारे डांडा जी करते हैं। साइलेंस। उनके साथ काफी मस्ती हुई। डांडा जी प्लीज आइए। 2 किलोमीटर दूर से बुलाया उन्होंने तो कुछ पता नहीं सर ऐसे किससे जो फिल्म में रहे हो बाकी हमारी जो ऑडियंस है वो भी जा रहे हैं सब नारे डूट्स। एक्सपीरियंस तो एक्सीलेंट रहा, न्यू कमर्स ओल्ड, राजन सिंह के साथ तो मुलाकात पता नहीं कितने साल पुरानी, बचपन से इकट्ठे हैं हम तो। बप्पीदा से मीटिंग मेरा ख्याल है तब से है जब से बप्पीदा बॉम्बे में आए, तो ऑल थ्रू आउट इट हैज बीन एन एक्सीलेंट एक्सपीरियंस वर्किंग विद न्यू कमर्स एज वेल एज एक्सपीरियंस पर्संस। क्या बात है, बहुत खूबसूरत आपकी। सबसे पहले तो मैं आप सबको थैंक यू बोलूंगी कि आप लोग आज आए हैं, आज बहुत स्पेशल डे है हमारे लिए और इस फिल्म में मुझे मौका देने के लिए मैं गोविंद सर और रीमा जी को दीदी को बहुत थैंक यू बोलती हूँ। और माय डायरेक्टर ही बिलीव इन मी और जन्म जय के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा, लगा ही नहीं मतलब इट्स नॉट लाइक दैट इट्स हिज फर्स्ट फिल्म, बहुत वेल ट्रेंड होके आए हैं
सो बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा. और स्टोरी इज सो नाइस. और रेगो ने डेब्यू गाना गाया है तो गाना बहुत अच्छा चल रहा है. और इतने अच्छे कलाकार हैं पूरी मूवी में, तो सबके साथ काम करके बहुत बहुत अच्छा लगा. एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी. और बस थैंक यू बोलना चाहूँगी सबको. लोगों ने भी बहुत बहुत ही हिस्ट्री है इसके पीछे लहरी फैमिली के साथ. और उन्होंने फर्स्ट डेब्यू रेगो को बच्चा पार्टी से किया था. अभी डेब्यू भी वो सारेगामा लेबल के थ्रू में कर रहे हैं. सो आई एम वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू सारेगामा फॉर ऑलवेज बीइंग विद अस एंड गिविंग मेकिंग एन हिस्ट्री हैपन अगेन अगेन. थैंक यू. ग्रेट वेलकम बाय द ऑडियंसेस. बेसिकली इट वॉज वेरी स्मूथ सेलिंग इन दिस प्रोजेक्ट. इसके अंदर कोई भी मुश्किल कोई भी डिफिकल्टी हमको नहीं आई फ्रॉम द शूटिंग टिल द एडिटिंग एवरीथिंग. एंड एवरीबडी हैड प्लेड दिस पार्ट वेरी वेल. जितने भी लोग थे उनकी परफॉर्मेंसेज और उनकी सबकी कोऑपरेशन सबकी हेल्प रही है. एंड एंड बेसिकली गोविंद जी और बीमा जी जो है इनका टोटल सपोर्ट रहा है और उसकी वजह से ये फिल्म बन पाई. और जो हमने हमने जो भी कुछ किया है बिकॉज इनका भरोसा था इसलिए हम लोग कुछ एग्जीक्यूट कर पाए. और जो भी हुआ है मतलब वो तो आप देखेंगे तो पता चलेगा. और प्लस जो गाना इसने रेगो ने गाया है वो गाना इस बेसिकली मास्टरपीस और बहुत अच्छी तरह से गाया है. और फिल्म में भी बहुत अच्छा है तो आप लोग देखोगे तो यू विल एंजॉय. बाकी सब ठीक है. बाकी द ऑडियंस विल डिसाइड. हम क्या बोल सकते हैं. हम तो मेहनत ही कर सकते हैं. दैट्स ऑल सर. ट्रेलर के बाद ऑडियंस. थैंक यू. बेसिकली आई एम द असिस्टेंट कोरियोग्राफर. इस पूरे गाने के कोरियोग्राफर है लॉली सर, लॉलीपॉप, जो बहुत ही फेमस है एंड वी ऑल नो देम. एंड उनके साथ भी मुझे काम करने मज़ा आया. इस गाने में सबसे ज़्यादा इनपुट दिया है ऑफकोर्स रेगो ने, क्योंकि मज़ा तभी आता है जब एक एक आर्टिस्ट हमें सपोर्ट करे एंड हमारे विजन को आगे बढ़ाए. So thank you so much Rego for supporting this also. And yes of course unki mom bhi unke saath hai aur wo pure time unke saath thi. Hame wo shoot karne itna maza aaya. Wo shoot kabhi shuru hua aur kabhi khatam hua wo pata hi nahi chala. And we were till then pura ka pura hum log energized the usme. Pura energy tha humein. Nahi aur next day paper final exam bhi tha. First paper computer. Yes yes yes. 8th से 9th. My god. और सबसे बड़ा तो एट स्टैंडर्ड से नाइन्थ में जाने का जो फाइनल एग्जाम होता है वो पेपर मंडे से शुरू हो रहा था कंप्यूटर का. और उनके डैडी और मैं इतना बहस में आ गए. मैंने बोला क्या कर रहे हो, फाइनल एग्जाम भी फेल हो जाएगा भाई, पढ़ने तो गाना बाद में शूट करेंगे. प्रोड्यूसर से हमें हमारे ऊपर नहीं नहीं सब कुछ रेडी है, करना ही है, करना ही करना ही. आप बताइए प्लीज रेगो ने स्कोर कितना किया प्लीज. बहुत अच्छा स्कोर किया रेगो. इज अ गुड गुड बॉय, वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी गुड इन पढ़ाई. आई मस्ट टेल यू खाली म्यूजिक में नहीं, वेरी गुड इन पढ़ाई. एंड ही इज नोन एज अ रॉकस्टार ऑफ जमनाबाई. एंड द स्कूल एंड एवरीबॉडी इज वेरी प्राउड ऑफ हिम दैट. एंड ही बहुत मेहनत करता है पढ़ाई और गाना एक साथ. इतने कम उम्र से उसने स्टार्ट किया है एंड गॉड ब्लेस हिम दैट ही इज ऑलवेज एंटरटेनिंग पीपल. ही इज अ बॉर्न एंटरटेनर. Yeah, I have nothing to say because we musicians, we singers, हम लोग का दिमाग रात को खुलता है. सुबह जितना भी पढ़ाई करना है कर लेते हैं, हैंडल कर लेते हैं. रात को हम लोग का दिमाग खुलता है सिंगिंग में. पूरा रात भर फोकस करते हैं, नया नया गाने का ट्यून सोचते हैं, साधना करते हैं, रियाज करते हैं. तो आई मैनेज इट प्रीटी वेल. आई जस्ट बैलेंस इट आउट लाइक मॉर्निंग स्टडीज एंड नाइट म्यूजिक. या I think ये genes में है, ये talent yeah, is pure in genes definitely for sure. And one more thing I want to say that Dadu also used to do that. Dadu used to morning में used to chill out. अरे क्या चल रहा है, used to chill out. But night में used to come in evening, used to come at 7 o'clock in the evening, used to go back at 4 o'clock in the morning. So this period is musician period. So like we all music, our mind is open. बहुत. What do you have for energy यार? Rego, tell us that. What sir? What do you eat for energy? For energy, I don't need anything. I just need blessings from everybody. Yeah, blessings say my I used to be there. Yes. We'll have Sana now. Sana. Would like Rema Di to sing with me. No, you sing. You sing. Are you? I'll sing. You
You start, I think, Reema ji will take this along. This is the lyrics. Ka no, mic. Okay. Yes. You'll sing? Yes, if you start. Raat hai, keh rahi hai tanhai. खूबसूरत है कह रही है तन तन्हाई आपकी जरूरत आपकी जरूरत है आपकी जरूरत खूबसूरत है कह रही है ये तन्हाई थैंक यू क्या बात है मुझे बचपन से मैं बहुत क्लोज रही हूँ बॉबी अंकल से और उनकी पूरी फैमिली से लेकिन इस प्रोजेक्ट का हिस्सा होना और उनके लिए ये गाना गाना मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात रही है एंड आई फील वेरी लकी थैंक यू रीमा जी थैंक यू सना को तो मैंने जन्म से मोहम्मद अंकल तो हमारे फैमिली थे इतने हिट्स दिए पापा के साथ तो सना भी इसमें ही है म्यूजिक में है और डैडी को भी उसका गला बहुत अच्छा लगता था टोन ऑफ सनास वॉइस गॉट अ वेरी मॉडर्न टोन एंड अ वेरी डिफरेंट टोन एंड अ फ्रेश टोन So she's like a family, and she's always a favorite for the ladies as usual. Thank you so much. Welcome. नहीं जानती हूँ. जी definitely यार. कहानियाँ मैंने आपको बता दी थोड़ी थोड़ी plot वगैरह. तो नहीं कहानी आपकी कहानी जब you know when you were talking about your reaction what was it because it's a बेहतरीन गाने फिल्म के हैं और मेरे लिए काफी बड़ी बात थी because मुझे एक chance चाहिए था. और ये मौका जैसे मैंने आपको बताया मुझे मिला तो मैं काफ़ी खुश था जब मेरे को स्क्रिप्ट मिला और फिर मैंने प्रेपरेशन स्टार्ट करी ओवरऑल बहुत अच्छा लगा मुझे सो व्हाट आर प्रिपरेशन यू हैड टू डू फॉर द कैरेक्टर बिकॉज ही बहुत इंटरेस्टिंग एंड इंट्रीगिंग कैरेक्टर है फर्स्ट ऑफ ऑल आई वाज लिटिल बल्की सो आई कट डाउन लिटिल वेट या देन फॉर द यू नो दिस रोल एंड सम डांस रिहर्सल्स एंड सम डायलॉग रिहर्सल्स दैट आई हैड टू डू घर में आए थे उन्होंने बोला था अरे वो भाई मौके पे चौका मार दिया मैंने देन ही वाज सो हैप्पी लाइक आई कुडंट बिलीव लाइक बिकॉज़ ही इज गिविंग हिज फर्स्ट डेब्यू वेंचर राइट इन द बॉलीवुड इंडस्ट्री एंड लंबा घोड़ा एडी जो बोला इज अ लंबा घोड़ा एंड वाज वेरी हैप्पी जनाब भाई यू फॉरगॉट रिमेंबर यू सेड दैट टू मी मैंने मौके पे चौका मार दिया नहीं मुझे याद नहीं बट डेफिनेटली आई थिंक वेल सबका आशीर्वाद चाहिए और थैंक यू वेरी मच जो आप तुमने नायरी फैमिली को ऑलवेज दिया है और अभी रेगो का वक्त आया है मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी रेगो को आशीर्वाद दें और उसके म्यूज़िक उसकी गायकी को पसंद करें उसके गाने को सुने रील्स बनाएं एंजॉय करें एंड रेगो अभी बहुत छोटा है बहुत सीख रहा है बहुत लंबा आगे जाना है उसे बहुत मेहनत करता है उसके अंदर वो चीज़ है गाने एक रॉकस्टार चीज उसके अंदर आई है उसको बनना है और दादा का आशीर्वाद है तो ऑफ कोर्स मैं बहुत भावुक हूँ आज मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ पर मैं बहुत आज भावुक भी हूँ बिकॉज मैं आज दादा को बहुत मिस कर रही हूँ डैडी को बहुत मिस कर रही हूँ और डैडी को यहाँ होना बहुत ज़रूरी था पर हाँ हमारे साथ ही है उनका आशीर्वाद इज देयर ऑफ कोर्स पर उनके आशीर्वाद से ही जो भी हो रहा है उनके आशीर्वाद से ही हो रहा है पर ऑफ कोर्स आई मिस हिम A lot. We all miss him. And पर उनकी म्यूजिक के थ्रू वो है और मैं चाहती हूँ कि आप लोग हम तुम्हें चाहते हैं को देखें जाके थिएटर्स में दादा का गाना और
और म्यूजिक रील्स बनाए एंड एंजॉय करें. हर टाइप की म्यूजिक है इसमें. इसमें जैसे रेगो का एक मास एंटरटेनिंग सॉन्ग है, देन दोनों हीरो हीरोइन का यंग कपल का एक रोमांटिक है. दादा ने भी गाया है एक गाना उसमें, और दादा और पलक मुच्छल जी ने गाया है, तो सना ने गाया है. तो बहुत ही यंग म्यूजिक है इसमें एंड फील बहुत अच्छा है इस म्यूजिकल का. म्यूजिकल कॉमेडी है, राजपाल जी का तो है ही कॉमेडी एज यूजुअल, ही इज रॉकिंग. तो सब मिलके एक अच्छा मूवी हुआ है. अभी बस आप लोग का आशीर्वाद चाहिए, सपोर्ट चाहिए, जो आप लोग जाए पिक्चर को देखें, एंजॉय करें. देखो आप सेट्स पे भी गए थे क्या? कैसा माहौल था, कैसा लगा सेट में? तो मैं दादू के साथ इतने सेट्स में गया हूँ, तो मुझे आदत है. तो मैं दादू के साथ इतने सेट्स में गया हूँ, और अभी जो अभी खूबसूरत पूरा सा उनके सेट में मुझे सॉरी हम तो मैं चाहते कि सेट्स में मुझे इतना मजा आया, क्योंकि हम लोग का बैक स्टोरी इतना फनी स्टोरी चल रहे थे, बात कर रहे थे, कॉन्वर्सेशन चल रहा था, ऊपर से कैमरा ले रहे, क्रेन के ऊपर से सर जा रहे और शॉट्स ले रहे राजपाल जी का, जब मेरे गाने में डांस कर रहे, बहुत ही फनी इंटरेक्शन भी हम लोग लेट रहे, डांस करे, फोटो ले ले. इट वॉज अ अनरियल मोमेंट, एंड ये मोमेंट हम लोग के रग रग में हर समय रहेगा. बहुत मजा आया, बहुत मजा आया. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. दादू तो खैर मल्टी टैलेंटेड लेजेंड थे, और जब भी मैं एक नए नए गाने सीखता था उनको जब ही वॉज माई फर्स्ट क्रिटिक, और जब बोलते थे अरे इसको तो और पढ़ा, तो और खोल के गाने, तो और थोड़ा मॉड्यूलेशन कम करो, यू शुड सब चीज़ चेक करते रिकॉर्डिंग के बाद. और दादू के गोल्डन वर्स जो थे यार, एक हम्बल रहने के, दादू कितने हम्बल थे, सब लोग के लिए भला किए, हम्बल रहने के लिए, सिंपल रहने के लिए, और जेनरस रहने के लिए, और हार्ड वर्क करने के लिए. ये दादू के चार गोल्ड वर्ड्स थे जो हर समय मुझे कहते थे. And yeah, we know him because I am from last 22 years in the industry. Yes. वो ऐसे प्यार से आते थे. And I one more thing, आप दादू का ये chain का भी copy कर रहे हैं. दादू और कोई? दादू का तो स्टाइल, दादू का तो गोल्ड चेन ही था, तो दादू का मुझे फॉलो ऑफकोर्स करना पड़ेगा, बिकॉज मैं उनका लेगेसी फॉरवर्ड लेके जा रहा हूँ. तो दादू इज दादू. कांग्रेट्स टू द होल टीम. थैंक यू सो मच. थैंक यू. आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट मिस्टर बंसल, रीमा एंड रेगो ऑफ कोर्स. रेगो अभी क्या बोलू तुम्हारे बारे में, मिलियंस ऑफ व्यूज ओवरनाइट, फैंटास्टिक, ही इज अ वेरी गुड एक्सलेंट सिंगर. थैंक यू सो मच. थैंक यू, यू वेलकम. एंड दीमा, इनके पापा के यहाँ पे तो मैं बहुत जाती थी. आई यूज्ड टू गो ऑन दुर्गा पूजा एंड आई यूज्ड टू गेट स्पेशल फिश फॉर देम. आई नो, आई वाज वेरी स्मॉल. या आई नो, आई नो. सो इट वाज क्वाइट अ गुड एक्सपीरियंस. एंड ये एक्चुअली फिल्म तो दादा ने शुरू की थी, but then unfortunately he left in between, so they are realizing his dreams. Reema and Bansal ji, unke jo dream hai jo unhone shuru kiya unko ye pura kar rahe hain. That's a fantastic feeling, you know, and I'm sure he must be very happy up there ki bahut acha hua hai. It's really good and the film is very nice and my scenes are very good. Okay. I have to say that. I'm sure जो एनर्जी आप एनर्जी लेके आई है और आपकी आवाज सुनने के बाद उन्हें खोबा हो फिल्म में जो मतलब होता है ना कि एकदम धमाकेदार क्लाइमेक्स कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है. We really look forward to your character. I was too much into the albums and all, singing for T series, singing for Zee Music, singing for Sony, singing for MH1. Then you know, people forgot me as an actress. They just thought he is just singing, he's a pop singer. So I said no, I got to get back. So I got back with Niyai Kaun Madam and Jeeja Ji Chappar hai, and then of course this feature film after the corona. I'm sure it's a big, big, big one. Yes. And already regular the millions par karti hain. Hamare aane wale time ke singing superstar little brother, who just turned 14. Come on, commendable. And of course, Seva Seva gaane mein jinhone bahut behtareen performance di hai. What do you have to say about this song performance while you know performing at such energetic track? Hello, good evening everyone. First thing I want to thank to Bansal Ji sir for giving me this a big chance in Bollywood Lounge, and it was amazing experience actually, you know, we had a lot of fun in the shoot. Yeah. And it's like a dream for me to work with really amazing people. It's a big chance for me. I want to say thank you so much for giving me this chance.
I hope you guys don't miss the movie. It's really amazing.